रिएक्शंस होंगे और फिर ये सीन कंप्लीट होगा। अरे मैनेजर साहब कर लिया, मैं खाना नहीं ना देता तुम है? खाना 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 चाहिए। अरे 12:00 बज जाएगा भाई। ठीक है, सीन तो कर लो पहले। सीन तो टाइम लगेगा। ये दोस्तों हमारी मजनू फिल्म की शूटिंग चल रही है और ये सेटअप और नाइट में हम लोग लगाए हैं और ये खाना खाना कर रहे हैं। खाना, 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 खाना। चलो अच्छा है, वैसे खाने का टाइम भी हो चुका है तो हम सोच रहे हैं कि ये सीन करते ही वहाँ जाते ही खाना खा लें। यहाँ कहाँ खाना खाएंगे दोस्तों? मैं आप सभी का लाडला राकेश शर्मा और टाइम हो रहा होगा कम से कम 1:30 के समथिंग और हम लोग आए हैं खाना लेने सेट पे। खाना तो सभी लोग खा चुके थे 7:30-8 बजे ही, लेकिन कुछ लोग अभी कह रहे थे कि भाई खाना चाहिए अगेन। और जो अपना कुकमैन है आजाद और उनके साथ उनके असिस्टेंट, देखिए इतनी रात को मतलब कि सारी यूनिट वहाँ शूट कर रही है और ये रात को 1:30 बजे भी ये समय नहीं देखते कि किस टाइम हमें खाना बनाना है। ये सुबह भी बनाते हैं, दोपहर को भी बनाते हैं, शाम को भी बनाते हैं, लेकिन जैसे ही इनको बताया कि भाई कुछ मेंबर्स को खाना खाना है 1:30 बजे, भूख लग रही है उनको, तो इन लोगों का ये रिएक्शन नहीं था कि यार नहीं हमारी अब ड्यूटी नहीं है, हम अब खाना नहीं बनाएंगे। ये बेचारे अभी भी लगे हुए हैं। देखो और आजाद भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया भाई, एकदम फर्स्ट क्लास। रात में कितना समय हुआ होगा अभी? 1:30 बज गए सर। 1:30 बज गया, 1:30 बजे खाना बना रहे हैं लोग। आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि आपकी ड्यूटी जो है वो 7:30-8 बजे बंद हो चुकी है? नहीं सर, अपना काम है, करना तो पड़ेगा ही। अपना काम है, बिल्कुल सच बात है, अपना काम है, करना तो पड़ेगा ही। वैसे खाना बहुत अच्छा बनाते हैं आजाद भाई, इसलिए आजाद भाई हमारे सभी सेट पे रहते हैं। मजनू फिल्म का शूट चल रहा है और हम आपको दिखाएंगे भी टीम मेंबर्स को खाना खिलाते हुए। और 1:30-2 बजे का काफ़ी बहुत, ये बहुत बड़ी बात है देखो एक रसोई मैन के लिए। और देखो बाहर फॉग कितना ज़्यादा है, ठंड कुछ नहीं देख रहा, ये तो लाइट जली हुई है, बहुत ठंडी है और ऐसी ठंड में भी ये लगे हुए हैं बेचारे, इसकी मेहनत की दाद देनी पड़ेगी, खाना बना रहे हैं। लव यू गाइस, लव यू, बाय 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 फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रहिए मेरे साथ आरकेश शर्मा फिल्म्स पर। और मजनू फिल्म जो बहुत ही बहुत बेहतरीन फिल्म है आपके बीच आने वाली है और पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आजाद भाई, इस समय खाना बना रहे हैं उनके साथ, उनके असिस्टेंट पूरी हेल्प कर रहे हैं हमारे चाचा जी। और 1:30-2 का टाइम हो रहा है बहुत ठंड में, सैल्यूट है उनको भी। खाना लेकर सेट पे और आजाद भाई के साथ राज भाई इधर। हेलो, कैसे हो भाई? बहुत कोहरा पड़ रहा भाई, बहुत ज्यादा कोहरा है और गाड़ी चलानी पड़ रही है बहुत संभाल के, सावधानी से। रास्ते में फॉग बहुत ज्यादा है, दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ज्यादा फॉग है, कुछ नहीं दिख रहा दोस्तों आगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन हमारा मजरू फिल्म का सेट चल रहा है और हम जा रहे हैं सेट पर खाना लेके। वैसे खाना खिला दिया था लोगों को, पता नहीं रात को क्यों दोबारा भूख लगी आई, क्योंकि आज हमने बाउंसर बुलाए हुए हैं बाहर से, ताले भुक्क रहे हो। बाउंसर के ग्रुप को आप जानते हो और अपने टीम मेंबर भी थे कुछ, उनको भी भूख लगाई रात के समय में। आजाद भाई ने खाना बनाया, वो चेक कह रहे थे कि नहीं मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा, मैं खाना खिलाऊंगा, यही खाना बनाते भी हैं और हमारे साथ खिलाने के लिए चल भी रहे हैं। भाई आजाद भाई कैसा लग रहा है? ठीक है दोस्तों, बाय, मिलते हैं। एक काम और करो, आओ मिश्रा जी आओ, जैसे वो पैरों में पड़ा ना, जैसे पैरों तो एक खुशी दिखा कि आज भी सब लोग मेरे सामने झुकते हैं, वो जैसे उसने पैर पकड़े ना थोड़ा चेहरे पे तो स्माइल देगा, हल्की सी होता है कि यार मैं ऐसा हूँ कि मतलब मेरे सामने सब झुकते हैं, तो हल्की सी ये स्माइल दे दो, एक तो ये वाला कट दे दो। अरे दिख रहा है तो दूसरी बात, आप ये वाला इसमें कट दो, वो अगर यहाँ बोल रहा है ना ठीक है आप तन रहे हो, लेकिन जब वो बोल रहा है थोड़ी बहुत लुक थोड़ी बहुत नीचे दे दो, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें ये चीज़ दो चीज़ मिस है और अच्छी लगेगी सेफ्टी।
ये दोस्तों अपनी मजनू फिल्म का शूट चल रहा है, ये लोकेशन है। ये पहले इनका डायलॉग था। अच्छा ये डायलॉग दिया इनका डायलॉग है ना वही वाला क्या बड़ी उम्मीद से आपके द्वारा आए हैं। अच्छा इन्हें डायलॉग दे दिया। अच्छा और ये एक्चुअली इन्हें डायलॉग बोलती जब पैरों में कौन गिरा।